फ्रेंड्स एंड वेलकम टू खुशीज कैफे। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ एंटेनेटल एक्सरसाइज जो कि प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में हम लोग बहुत ज़्यादा बॉडी हमारी थक जाती है और कहीं कभी कभी हमारा घूमने का या फिर कुछ करने का मन नहीं करता है। तो इसके लिए ये कुछ मैं ईजी सी एक्सरसाइज आपको बता रही हूँ जो आपको 20 to 30 minutes आपको अपने निकालने हैं पूरे दिन में से। और अगर आप इन एक्सरसाइज को कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये एक्सरसाइजेज आपको काफ़ी हेल्प करेंगी, रिलीफ आपको देंगी। लोगों को प्रेगनेंसी के टाइम में बैक में पेन रहता है, हिप मसल में पेन रहता है, तो इन सब पेन से भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा और आपकी बॉडी भी बहुत ज़्यादा तरोताज़ा महसूस करेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप लोग सोचेंगे कि ये हमें एक्सरसाइज बता रही है तो किस बेस पे बता रही है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पहली बात तो मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ और अभी मेरे पास एट मंथ्स का मेरा बेबी हो गया है। तो मैंने भी ये एक्सरसाइज करी है अपने प्रेगनेंसी के पीरियड में और मैंने ये एक्सरसाइज अपने मन से नहीं की है। मेरा जो पूरा ट्रीटमेंट और फॉलोअप्स चले हैं जितना भी डिलीवरी तक होने तक या डिलीवरी के बाद भी, तो वो सारे मेरे एशियन हॉस्पिटल में चले हैं। और एशियन हॉस्पिटल का नाम आपने अच्छे से सुना होगा, उन लोगों ने मुझे, जो डॉक्टर हैं उन्होंने मुझे एंटेनेटल क्लास प्रोवाइड कराई थी, वहाँ पे मुझे एक्सरसाइज सीखने को मिली थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को भी सिखा देती हूँ। अगर आप एंटेनेटल क्लास नहीं ले पा रहे हैं किसी भी वजह से तो आप लोगों को ये एक्सरसाइजेस ज़रूर सीखनी चाहिए और आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। ब्रीदिंग से स्टार्ट करेंगे क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम में आपको बहुत बार ऐसा लगता होगा कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा घुटन सी लगती होगी। तो इसके लिए हमारी पूरी बॉडी को अच्छे से ऑक्सीजन मिले, ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ब्रीदिंग के लिए सबसे पहले तो हमें, सबसे पहली जो एक्सरसाइज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो है कि आप अपना जो थंब है उसको ईयर में रखिए और ये वाले जो 4 आपकी फिंगर्स है इसको आइस पर रखिए और फिर लंबी सांस लीजिए। तो जैसा कि आपने देखा, जब मैंने ऑक्सीजन इनहेल की तब मैंने अपनी आईज को ढक लिया अपने इन 4 फिंगर से और मैंने जब एक्सहेल किया तो आंखों को खोल दिया। तो ये हो गई हमारी पहली एक्सरसाइज। आने जा रही हूँ एक्सरसाइज, वो हमारे चेस्ट के लिए होगी। तो हमें करना क्या है, अपने हाथों को इस तरीके से, ये जो इस तरीके से आप 90 डिग्री का एंगल बना लीजिए और इस तरीके से देखिए यहाँ पे रख लीजिए। अब क्या करना है हमें, ये 90 डिग्री का पूरा एंगल बनाना है, देख रहे हैं आप, ये मेरा स्ट्रेट है शोल्डर्स और यहाँ पे हमें इस तरीके से अपने हैंड्स को रखना है और अब हमें इनहेल करना है। तो जब हम इनहेल कर रहे हैं तो हमें अपने शोल्डर्स को थोड़ा उठाना है। ये एक्सरसाइज आपको कम से कम 10 से 15 बार करनी है। इसके लिए जो हमें एक्सरसाइज करनी है वो है हमें अपने हैंड्स को इस तरीके से जोड़ लेना है हाथों को और आगे रखना है बिल्कुल स्ट्रेट और अब हमें करना है इनहेल। तो इनहेल करते समय हमें अपने हैंड्स को ऊपर लेके जाना है। तो जब हम इनहेल कर रहे हैं तो हमारे हैंड्स जाएंगे ऊपर और सांस छोड़ेंगे तो हाथ को नीचे ले आएंगे। थोड़ी देर के लिए हमें कम से कम 4 से 5 सेकंड के लिए अपनी जो सांस है उसे रोक के रखना है। उसके बाद हमें आराम आराम से धीरे धीरे से छोड़ते हुए सांस को, हैंड्स को नीचे लेके आना है। तो ये हमारी 3 ब्रीदिंग की एक्सरसाइज हो गई। तो सबसे पहले हमें इन्हीं ब्रीदिंग की एक्सरसाइज से स्टार्ट करना है कि जब हम लेटते हैं तो लेटने का हमारा तरीका होना चाहिए हमेशा करवट लेके लेटने का। अगर आपके बैक में पेन है या फिर आप करवट लेके एकदम से नहीं लेट पाते हैं तो 10 से 15 मिनट या मैक्सिमम 20 मिनट आप सीधे लेटिए। अदरवाइज प्रेगनेंसी के टाइम में हमें करवट में ही लेटना चाहिए। अब वो आपके ऊपर है कि आप राइट
की तरफ लेटना चाहते हैं या लेफ्ट हैंड की तरफ, दोनों ही परफेक्ट है, जरूरी नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि लेफ्ट में ही लेटना चाहिए, लेकिन मैं अपना बता दूं तो मैं जब भी लेफ्ट हैंड की साइड लेटती थी तो मुझे पेट में पेन होने लगता था, मेरा बेबी पूरा उस साइड में मूव हो जाता था और मुझे बहुत पेन होता था। इसलिए मैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बल्कि ये कहिए कि हमेशा प्रेगनेंसी पीरियड में राइट की तरफ ही सोई हूँ। तो इसीलिए आप 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा सीधे लेटिए, उसके बाद में आप करवट ले लीजिए और करवट बदलते रहिए, कभी राइट कभी लेफ्ट, मायने रखती है। तो नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ बटरफ्लाई। तो जनरल जो हम बटरफ्लाई करते हैं, आप लोगों को जो भी मालूम होगी, तो हम इस तरीके से अपने पैरों को मिला लेते हैं। तो प्रेगनेंसी में तो हमारा स्टमक काफ़ी टमी आगे आ जाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरीके से एकदम पैरों को चिपका सकें, लेकिन जितना आप आगे तक ला सकें उतना लेकर दोनों पैरों को अच्छे से मिलाकर, और हमें इस तरीके से नहीं करना है, इस तरीके से करेंगे तो स्टमक पे जोर पड़ेगा। हमें सिंपली क्या करना है, अपने दोनों हैंड्स को अपने पैरों को मिला के रखिए अच्छे से, और दोनों हैंड्स को यहाँ पे घुटने पे अपने रख के, और फिर आप धक्का मारिए। तो जितना भी आप नीचे तक पैरों को अपने पुश कर सकते हैं, आप एक काम कर सकते हैं, 10 के काउंट तक गिनिए और पुश करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब छोड़ दीजिए, फिर से 10 तक गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जितना भी आप इनको पुश कर सकें अपने हैंड्स का जोर लगा के, आप इनको पुश करें। जो मैं आपको स्ट्रेचिंग बताने जा रही हूँ वो मैं बताने जा रही हूँ, उसके लिए आपको चाहिए एक टॉवल। तो एक टॉवल को पहले फोल्ड कर लीजिए इस तरीके से, इसका एक मोटा कुशन जैसा बना लीजिए, जैसे कि ये मैंने कुशन बना लिया है। अब हम अपने लेग्स को स्ट्रेट करेंगे और इसको घुटने के नीचे रखेंगे, और अब अपने घुटने को जोर लगाकर नीचे की साइड पुश करने की कोशिश करेंगे। तो 10 के काउंट तक आप इसको नीचे की साइड धक्का मारिए, इसको आप थोड़ा और ऊंचा ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर छोड़ दीजिए, फिर से पुश कीजिए नीचे की साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इससे काफ़ी स्ट्रेचिंग आपको मिलेगी। सॉरी, मैं आप लोगों को अपने लेग शो नहीं करना चाहती थी, लेकिन नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो कुछ ऐसी है कि हमें अपने जो लेग्स हैं उन्हें अपने अंदर ही अंदर आगे को स्ट्रेच करना है। जैसे कि मैं इनको ऐसे आगे को देखिए, अपने पैरों को लेके, और पूरा लेग में एक स्ट्रेच आ रहा है। इसको भी आप 10 के काउंट तक स्ट्रेच कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज हमारी ये हो गई। नेक्स्ट हमें करना है कि अपने पैरों को इस तरीके से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी घुमाते रहना है, और उंगलियों को भी अपने चलाना है, क्योंकि हमारे पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, तो उसमें ये हेल्प करेगा, पैरों को मूवमेंट्स मिलेगा और हाथों को भी। मैं आपको बैक के लिए एक एक्सरसाइज बता देती हूँ जो आपको बैक पेन में बहुत रिलीफ दिलाएगा। तो सबसे पहले तो हम सही पोस्चर बनाते हुए इस तरीके से लेट जाएंगे, उसके बाद में हम अपने लेग्स को इस थोड़ा सा अपार्ट रखेंगे, एकदम चिपकाना नहीं है हमें, थोड़ी दूरी पर रखना है दोनों लेग्स को, और हाथों को यहाँ पे स्ट्रेट रखना है, और हमें अपनी कमर को उठाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। इस तरीके से हमें ये एक्सरसाइज करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, थोड़ी सी टफ लगेगी आपको, लेकिन ये बहुत अच्छी रहेगी आपको, जो हिप मसल है इसमें आपका अगर पेन रहता है तो इसमें काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है हमारी वो ये है, ये भी स्ट्रेचिंग के अंदर ही आती है। तो हमें इस तरीके से लेट जाना है, देन अपने लेग्स को अच्छे से अपार्ट कर लेना है, इतना कि जब हम एक पैर को दूसरे नीचे लेके जाएं तो वो दूसरे पैर से टच हो, इतना हमें दोनों के बीच में डिस्टेंस रखना है। तो हमें करना क्या है, सिंपल सा,
अपना एक लेग लेके नीचे लेके जाना है जब तक कि वो दूसरे लेग को टच ना कर ले। तो जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे लिए ये एक्सरसाइज, अभी तो मैं कर ले रही हूँ आराम से, लेकिन तब ये मेरे लिए एक्सरसाइज सबसे टफ होती थी। तो जितना भी आपका लेग, जरूरी नहीं है कि दूसरे लेग को टच करे, जितना भी आप नीचे लेके जा सकते हैं उतना नीचे लेके जाइए। बहुत ज़्यादा ये कोशिश मत कीजिए कि टच ही हो जाए, तो जितना भी नीचे लेके जा सकते हैं अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से उतना आप उसको नीचे लेके जाइए। और ये भी आप गिन के 10 बार कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो सारी एक्सरसाइज है, कम से कम आपका 20 से 30 मिनट इसमें लग जाएगा और काफ़ी अच्छा वर्कआउट आपका घर बैठे बैठे ही हो जाएगा। आप लोगों को ये एक्सरसाइज डेली करनी है, आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। और अगर आप वॉक पर जा सकते हैं तो 20 मिनट्स कम से कम आप वॉक करें पूरे दिन में। अगर आप बाहर घर से नहीं जा पा रहे हैं गर्मी की वजह से या सर्दी की वजह से, जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो गर्मी में या सर्दी में, तो जिस भी वजह से आप बाहर नहीं जा पाते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आपका जो भी रूम होगा जिसमें एक पोर्शन खाली होगा, तो एक वॉल से दूसरी वॉल आप चलिए गिन के 10 मिनट्स, उसके बाद में थोड़ी देर रेस्ट कीजिए 20-30 सेकेंड, उसके बाद में फिर से चलिए 10 मिनट्स। तो इस तरीके से सुबह और शाम 20-20 मिनट्स आप घर में भी वॉक कर सकते हैं, लेकिन हमें लगातार करना है। ऐसा नहीं कि एक बार चल दिए फिर बैठ गए, नहीं, लगातार 10 मिनट तक वॉक कीजिए एक वॉल से दूसरी वॉल तक, देन थोड़ा रेस्ट लीजिए फिर 10 मिनट वॉक कीजिए। तो ये तो हमारी वॉकिंग की बात हो गई जो कि हम घर में भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें खाने पीने का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, हमें डेली 2 सीजनल फ्रूट्स कम से कम खाने हैं और हमें 2 ग्लास दूध कम से कम पीना है, दाल लेनी है और सब्जी लेनी है। तो मिनिमम इतना हमें वैरायटी हमें फूड की डेली खानी है। आउटसाइड फूड, बाहर का खाना आप जितना अवॉइड कर सकते हैं बिल्कुल कीजिए, घर में बना हुआ अच्छा और हाइजीनिक खाना ही खाइए, क्योंकि ऐसे टाइम में आपको गैस वगैरह होने के बहुत चांसेस होते हैं, पेट खराब होने के। तो ऐसे टाइम में आप बाहर का खाना अवॉइड कीजिए, जो भी बनाना है आप घर में बनाइए। स्पेशली चाइनीज़ आपको अवॉइड करना है, क्योंकि चाइनीज़ में होता है MSG जो कि अजीनोमोटो होता है, वो बाहर बहुत ज़्यादा डाला जाता है टेस्ट के लिए, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है हमारी हेल्थ को और हमारे बच्चा जो हमारे पेट में पल रहा है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। इसलिए आप वो बाहर से चाइनीज़ मत खाइए। आप कभी कभी अगर मन कर जाए तो महीने में एक बार मुश्किल से खाइए, और बाकी आप अपने घर में बना के खाइए चाइनीज़ भी, उसमें अजीनोमोटो मत डालिए। पानी पीना हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि ऐसे टाइम में हमें बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते रहें। और आपको यूरिन लगेगी बार बार, तो बिल्कुल आप यूरिन जाइए, मत घबराइए कि मुझे बहुत ज़्यादा यूरिन हो रही है, आप यूरिन जाइए और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीते रहिए। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, और मैं होप करती हूँ कि आप डेली एक्सरसाइज ज़रूर करेंगे और खाने पीने का ध्यान रखेंगे और हेल्दी रहेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू, बाय।